हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर हम मैक्सिमम पार्ट कवर कर चुके हैं, जिन्हें हमने स्टार्ट किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में हमने एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, और एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बेस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पढ़े उनमें बेस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या थी? मेटाबॉलिज्म। और उन सभी में से जो ह्यूमंस में होती है प्रॉपर्टी वो है सेल्फ कॉन्सियसनेस। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अल्टीमेटली हमने डेफिनेशन बनाई थी सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ इवॉल्विंग एंड इंटरैक्टिंग बॉडीज प्रेजेंट आर कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने के बाद हमने टैक्सोनॉमी स्टार्ट की थी। टैक्सोनॉमी में हमने आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जिसमें किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, फिर हर एक को टैक्सोनॉमिकल जो कैटेगरीज है उनको डिटेल में पढ़ा था। स्पीसीज क्या होती है, प्लांट और एनिमल्स में स्पीसीज के एग्जाम्पल क्या है, फिर ये सब स्पीसीज मिलकर एक जीनस बनाती है, जीनस से ऑर्डर, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, इस तरह से लार्ज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बनती है। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देने के लिए 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हमें यूज करनी होती है, किंगडम से लेके स्पीसीज तक, जिसमें स्पीसीज सबसे छोटी यूनिट है क्लासिफिकेशन की। और जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स डिक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, एट लास्ट मैंने आपको एक फोटो सेंड की थी जिसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन का किंगडम एनिमेलिया, डिविजन नो फाइलम कोर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमोनिडी, जीनस होमो और स्पीसीज सेपियंस। ठीक है, इस तरह से कुछ ऑर्गेनिजम्स का मैंने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको भेजा था। लास्ट में वो टेबल बनानी थी, वो टेबल कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट हेडिंग है टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब ये है कि किसी चीज को स्टडी करने के लिए जो टूल्स हम यूज करते हैं वो होता है टैक्सोनॉमिकल एड। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिकल एड यूज आएंगे टैक्सोनॉमिकल स्टडी करने के लिए। और टैक्सोनॉमी में हम क्या चीज स्टडी करते हैं? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम, एक एक्स टाइप के ऑर्गेनिज्म उसके बारे में हम डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमें यूज करने पड़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एड। टैक्सोनॉमिकल एड क्या क्या हो सकते हैं? अगर आप डायवर्सिटी को स्टडी करना चाहते हैं तो आप कहां पर विजिट कर सकते हैं? एक जू में विजिट कर सकते हैं। जू में आप अलग अलग टाइप के एनिमल्स देखेंगे, उनके रहने का तरीका, उनका हैबिटेट, उनके फूड हैबिट्स क्या क्या हैं, किस तरह से वो दूसरे एनिमल्स से इंटरेक्ट करते हैं, वो स्टडी करने के लिए आपको जू में जाना पड़ेगा। तो एक टैक्सोनॉमिकल एड क्या हो गया? जू, यानी कि जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, उसी तरह म्यूजियम में जाकर हम अलग अलग टाइप के एनिमल्स को देखते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको एक कार्डबोर्ड पर पिन की हेल्प से चिपकाए रखते हैं, हम उस इंसेक्ट के बारे में स्टडी कर लेते हैं मॉर्फोलॉजी को। बड़े एनिमल्स जैसे टाइगर, लॉयन, ये सब होते हैं, उनके स्केलेटन को स्टोर करते हैं या फिर उनकी स्किन के अंदर स्टफ कर देते हैं और वो एक ओरिजिनल एनिमल के जैसी मॉर्फोलॉजी हमें दिखाई देती है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको सॉल्यूशन में भी प्रिजर्व कर लेते हैं, जिसे हम उनको स्टडी कर पाए, वो खराब नहीं हो। तो इस तरह की जो ये सारी टेक्निक्स हैं, सारे टूल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं टैक्सोनॉमिक स्टडी करने के लिए, उन सभी को हम टैक्सोनॉमिक एड्स बोलते हैं। तो एक एक को डिटेल में हम पढ़ेंगे, पहले हेडिंग डालें और पॉइंट लिखें। द टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेंस फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करने के लिए जो टूल्स यूज किए जाते हैं उन्हें को हम टैक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं। द टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ वेरियस प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन एरियाज लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्रीज एंड नोइंग अवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमें एग्रीकल्चर में कुछ ऐसे क्रॉप प्लांट्स, कुछ ऐसे एनिमल्स को यूज करना है ह्यूमन के बेनिफिट के लिए। फॉरेस्ट्री,
इंडस्ट्रीज में यूज करना है कि इनसे कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, उनसे क्या इकोनॉमिकली बेनिफिट प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, ये सब। सच एड्स प्रोवाइड सोर्स ऑफ करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन भी हमें प्रोवाइड करते हैं ऐसे टूल्स। ठीक है, तो क्या क्या है डिटेल में पढ़ेंगे, मैं यहां पर इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं और आपको जो मैं सेंड करूंगा नोट्स उनमें से ही सभी के बारे में डिटेल में लिखना है। मैं बता देता हूं ये चीज क्या क्या होती है। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो टैक्सोनॉमिकल एड है वो है हर्बेरियम। और हर्बेरियम आप इस तरह से समझ लीजिए, हर्बेरियम में स्टडी किया जाता है प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन को। इसमें हर्बेरियम की स्पेशल एक फाइल होती है, एक फाइल होती है बड़े पेज की, उस पेज के ऊपर प्लांट का कोई एक पार्ट रूट स्टेम या लीफ उसको तोड़ के लाते हैं, उसको ड्राई करते हैं और उसको उस हर्बेरियम सीड पर चिपका देते हैं। ठीक है, और उस हर्बेरियम सीड पर उस प्लांट के बारे में कुछ डिटेल्स हम लिख देते हैं, जैसे ये एक सीड है, इस पर हमने उस प्लांट की लीफ को लाकर चिपका दिया है ड्राई करके। इस साइड में नेम ऑफ कलेक्टर, जिसने कलेक्ट किया, नेम ऑफ कलेक्शन साइट कहां से कलेक्ट किया, उसका लोकल नेम क्या है, इंग्लिश नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है जिसमें जीनस और स्पीसीज आ जाएगी, और उसकी फैमिली क्या है, ये सारा डिस्क्रिप्शन यहां पर प्रोवाइड कर देंगे। और इस तरह की एक मोटी फाइल बना लेंगे जिसमें हर एक पेज पर नए प्लांट का डिस्क्रिप्शन होगा। तो जब भी प्लांट की एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे यहां पर प्रेजेंट सारे प्लांट्स की लीफ या कोई और पार्ट चिपकाकर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दें, तो हमें जब भी इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में प्लांट्स की डाइवर्सिटी का स्टडी करना होगा तो उस फाइल को उठाकर हम स्टडी कर लेंगे। दैट मीन्स ये हो गया एक क्विक रेफरल सिस्टम, मतलब हम क्विकली उस हर्बेरियम को रेफर करके वहां की डाइवर्सिटी का स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो हर्बेरियम फाइल इस तरह बनाई जाती है, और इन्फॉर्मेशन उसमें साइंटिफिक नेम जिसमें जीनस और स्पीसीज आ गई, उसके अलावा फैमिली तक डिस्क्रिप्शन होता है, उसके बाद का डिस्क्रिप्शन हर्बेरियम सीट में नहीं होता। जो स्टैंडर्ड हर्बेरियम फाइल बनाई जाती है वो बेंथम एंड हुकर, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो तरीका बताया था कि किस तरह से अरेंज करना चाहिए उसके हिसाब से बनाई जाती है। ठीक है, तो हर्बेरियम सिर्फ प्लांट्स के लिए है, उसके बारे में यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टैक्सोनॉमिकल एड है वो बोटनिकल गार्डन है। बोटनिकल गार्डन ऐसे प्लेसेज होते हैं जहां पर लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स को एक बड़े एरिया में ग्रो किया जाता है। बोटनिकल गार्डन के बहुत सारे एडवांटेज हैं, एक तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी वो सपोर्ट करते हैं, एक ब्यूटीफुल प्लेस भी होता है वहां पर विजिट करने के लिए, और अलग अलग टाइप के प्लांट्स को अगर स्टडी करना हो एक ही प्लेस पर तो बॉटनिकल गार्डन एक बहुत अच्छा प्लेस होता है। ठीक है, वहां पर हम प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी, हैबिटेट, उनकी लीफ रूट स्टेम, इनकी स्ट्रक्चर, इन सभी के बारे में स्टडी कर सकते हैं बॉटनिकल गार्डन को विजिट करके। कुछ बॉटनिकल गार्डन के एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं जो आपको नोट्स में लिखने हैं, तो बॉटनिकल गार्डन इस तरह से यूजफुल टूल हो गया, उसको स्टडी करके हम बता सकते हैं ये वो प्लांट है, ये एंजियोस्पर्म है, ये थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा, और इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट म्यूजियम। म्यूजियम आपने विजिट किया होगा कभी ना कभी, म्यूजियम के अंदर एनिमल्स को या प्लांट्स को किस तरह से रखा जाता है, या तो ग्लास के कंटेनर्स में रखा जाता है देखने के लिए, या मैंने बताया था अभी एनिमल्स के स्केलेटन को रखा जाता है स्टडी करने के लिए, या फिर बड़े एनिमल्स से उनके स्टफिंग करके स्किन के अंदर उसकी पूरी शेप को मेंटेन किया जाता है उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करने के लिए, इंसेक्ट्स को पिन लगाकर, कुछ एनिमल्स को सॉल्यूशन में डालकर, अलग अलग तरीकों से एनिमल्स को प्लांट्स को वहां पर स्टोर किया जाता है ताकि उनकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया जा सके, उनके जो एक्शनल कैरेक्टर्स उनको स्टडी किया जा सके। तो म्यूजियम भी कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं जो आपको नोट्स में लिखने हैं। जूलॉजिकल पार्क यानी कि जू, जू भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने विजिट किया है, वहां पर अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के हैबिटेट के बारे में, ब्रीडिंग हैबिट है, इंटरेक्शन है, मॉर्फोलॉजी है, क्या क्या उनकी डेली एक्टिविटीज हैं, उन सभी को स्टडी करने के लिए, किस टाइप का एनिमल है, इसमें क्या अडेप्टेशन उस हैबिटेट के लिए है, वो सब स्टडी करने के लिए एक जू को विजिट हम करते हैं, और वहां पर हमें पता लगता है कि हाँ ये उस ग्रुप का एनिमल है क्योंकि इसमें ये कैरेक्टर्स हैं। तो टैक्सोनॉमी को स्टडी करने के लिए हमने ये टूल यूज कर लिया और हमें पता लग गया कि हाँ
ये एनिमल इस तरह का होता है, उस ग्रुप का एनिमल है। क्यों? क्योंकि इसमें ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जूलॉजिकल पार्ट। नेक्स्ट है की। की एक एनालिटिकल टूल है टैक्सोनॉमिक स्टडी करने के लिए, जो कि ऑर्गेनिजम्स की सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पर उनको अलग अलग सेपरेट आउट करने में काम आती है। ठीक है, तो की के अंदर जो पेयर ऑफ कैरेक्टर हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं कपलेट, और उन पेयर में से एक इंडिविजुअल कैरेक्टर उसको बोलते हैं लीड। ठीक है, हम एक पर्टिकुलर एक्स टाइप के ऑर्गेनिज्म लेंगे, पेयर ऑफ कैरेक्टर है उसमें से जो प्रेजेंट होगा उसको तो प्लस लगा देंगे, ये प्रेजेंट है, और जो एबसेंट होगा उसको माइनस लगा देंगे, ये एबसेंट है। तो हर एक कैरेक्टर 20-30 कैरेक्टर की लिस्ट बना लेंगे और उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, इस कैरेक्टर में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ऑर्गेनिज्म को लेकर आएंगे। तो इनमें से कौन सा प्रेजेंट है उसके आगे तो प्लस, और कौन सा एबसेंट है उसके आगे जीरो लगा देंगे। तो की में बहुत सारे लिस्ट की एक जो सॉरी एक बहुत सारे कैरेक्टर्स की लिस्ट बनाकर प्रेजेंट या एबसेंट से वो करते हैं, और उसमें हमें पता लग जाता है कि हाँ ये कैरेक्टर उसमें है, ये एबसेंट है। ठीक है, फ्लोरा। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड है फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब क्या है? फ्लोरा आप बहुत इजीली स्टडी करते हैं, जैसे आप अपनी स्कूल के अंदर स्टडी कर सकते हैं कि स्कूल का फ्लोरा क्या है। द हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड फ्लोरा। आपके एरिया में कितने वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं वो वहां का फ्लोरा हो गया। जैसे राजस्थान का फ्लोरा, जयपुर का फ्लोरा, बहरोड का फ्लोरा, हमारे स्कूल का फ्लोरा। तो हर एक पर्टिकुलर प्लेस पर कितने वैरायटी ऑफ प्लांट्स अवेलेबल हैं, हैबिटेट क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, उसको स्टडी करते हैं हम फ्लोरा के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक टैक्सोनॉमिकल टूल हो गया कि यहाँ की टैक्सोनॉमी, यहाँ की डायवर्सिटी को स्टडी करने के लिए हम फ्लोरा को रेफर कर सकते हैं, वहां के सारे प्लांट्स को स्टडी करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड है मोनोग्राफ। मोनो का मतलब होता है सिंगल। एक सिंगल टैक्सोन या कैटेगरी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जहां पर अवेलेबल हो वो होता है मोनोग्राफ। फॉर एग्जाम्पल मोनोग्राफ ऑफ मेमेलिया, मतलब क्लास मेमेलिया के बारे में यहां पर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। मोनोग्राफ ऑफ किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो गई। तो वो मोनो का मतलब सिंगल, एक पर्टिकुलर रैंक या कैटेगरी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ऐसे टैक्सोनॉमिकल एड को हम मोनोग्राफ बोलते हैं। समझे आप? नेक्स्ट है मैनुअल। मैनुअल होते हैं लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया। मैनुअल और फ्लोरा थोड़े से डिफरेंट है। यहां पर है हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्लांट्स प्रेजेंट इन एन एरिया, यहां पर है लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल प्लांट्स प्रेजेंट इन एन एरिया। फ्लोरा अगर प्लांट्स के लिए है तो फोना एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट एनिमल्स के लिए। ठीक है, तो इस फोना को मैं वहीं पर एड कर देता हूं लास्ट में। नाइन्थ होगा कैटेलॉग और टेंथ हो गया फोना। मैनुअल हो गया लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन, उसके बाद है कैटेलॉग। कैटेलॉग क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है। उस लिस्ट में उन ऑर्गेनिजम्स को अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है। ठीक है, अल्फाबेटिकली, जैसे नीम प्लांट है उसका साइंटिफिक नेम ए से स्टार्ट होता है, एजाडिरेक्टा इंडिका। ठीक है, अगर एजाडिरेक्टा इंडिका प्लांट को हमें स्टडी करना है वो पहले नंबर पे आ गया। दूसरे पे काऊ है, वहां पर बोस इंडिकस, बी से हो गया। सी से कोई और एनिमल्स का नेम, जैसे क्रो का होता है कोर्वस स्प्लेंडेनस, क्रो का नाम लिख दिया। ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक जो भी एनिमल्स प्लांट्स या माइक्रोब वहां पर प्रेजेंट है उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करके उनको स्टडी करना, ये पैटर्न होता है टैक्सोनॉमिकल एड का, जिसको बोलते हैं कैटलॉग। और हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल एनिमल्स, ये नोट्स में मिलेगा, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल एनिमल्स प्रेजेंट इन एन एरिया इज कॉल्ड फोना। फॉर एग्जाम्पल फोना ऑफ राजस्थान, फोना ऑफ जयपुर एक्सेट्रा। ठीक है, तो समझे आप, ये टैक्सोनॉमिकल एड है टैक्सोनॉमिकल स्टडी करने के लिए यूज किए जाते हैं।
तो इस चैप्टर के अंदर मैंने तीन लेक्चर्स में ये कंप्लीट किया है। पहले में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के कैरेक्टर स्टडी किए थे, दूसरे में टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को स्टडी किया था, और तीसरे में हमने बताया है कि टैक्सोनॉमिकल एड क्या क्या है जिससे हम टैक्सोनॉमी को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स जो मैं सेंड करूंगा वो आपको बनाने हैं। पहले स्टार्ट यहां से करना है, ये पॉइंट लिखकर, फिर एक एक हेडिंग, और फिर उसके बारे में नोट्स जो मैं भेजूंगा उसमें। ठीक है, देखिए एक बार।